आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों हम सबको पता है कि मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि हर साल आती है। बच्चों ये तीसरा साल है जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अपडेट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तो थोड़ा और वास्ट करेंगे। इस बार CUET आने जा रहा है क्योंकि कट ऑफ बेस नहीं है और ऑल ओवर इंडिया में इस बार एडमिशन से रिलेटेड बात होने वाली है। तो इस बार काफी डिटेल में बात होने वाली है, काफी वाइड स्कोप के बारे में बात होने वाली है। लेकिन आज जो वीडियो है ना बच्चों, वो सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज, ऐसे करके देखो, कॉमर्स की भी आएंगी, आर्ट्स की भी आएंगी, सब स्ट्रीम्स की आएंगी और कोशिश करेंगे सभी कॉलेजेस को आपको जो है अपडेट देने की और आपको समझे कि पूरी तरह से गाइड करने को लेके। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर आनंद, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और अभी ऑलमोस्ट 7-8 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए और मुझे काफ़ी सारे कॉलेजेस का एक्सपीरियंस जो है हो चुका है, जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। और आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि देखिए किस तरह से आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस हैं अलग अलग कॉलेजेस में जाने के, और आप जो है कोई भी गलती ना करें आगे जाके। तो जैसे कि आप साइड में मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, साइंस के कुछ कोर्सेज को लेके आज की वीडियो में बात होने वाली है। जितने भी बच्चे जो हैं साइंस के कोर्सेज को लेके कंफ्यूज हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। साइंस के बच्चों को लगता है या तो हम MBBS कर लें या हम इंजीनियरिंग कर लें, और नो डाउट बच्चों के पास कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है, तो शायद उनको पता नहीं है कि और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास में है। तो आपके सामने बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ऑफर करता है, जिसमें से सबसे पहला है बच्चों कंप्यूटर साइंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं इससे पहले कि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करें कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे भी कुछ कोर्सेज हैं जो सिर्फ DU ही ऑफर करता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने आप में यूनिक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं उनके बारे में बात आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। तो अब बने रहिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय द वे, कंप्यूटर साइंस के बारे में जहां तक बात हो रही है, तो आप सबको पता है कंप्यूटर साइंस अपने आप में नंबर वन पे, मैंने इसीलिए रखा है, नंबर वन डिमांडिंग कोर्स है। चाहे आप BTech में जाएं या कहीं भी जाएं, कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक, अब कोई बच्चा कहता है मुझे BTech नहीं करना है लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस में मुझे डिटेल में आगे पढ़ना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है या मुझे आगे रिसर्च में जाना है, तो कंप्यूटर साइंस उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कोडिंग अगर वो करना चाहता है। बच्चों दूसरा है बायोमेडिकल साइंसेज। बायोमेडिकल साइंसेज जो है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबल होगा। ऐसे ही बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत डिमांड रहती है बच्चों, या इवन हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मास्टर्स अगर आप करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हमारे इसमें माना जाता है। मैं आपको सबको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ उन सबकी मास्टर्स DU में होती है। तो एक बार आप यहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हो तो मास्टर्स भी आपकी वहीं से हो सकती है, मतलब वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, आपको दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एग्जाम फर्दर क्लियर करते हो तो। स्टैटिस्टिकल ऑनर्स है बच्चों, जो कि बहुत डिमांडिंग कोर्स है। मुझे पता है कि ये कोर्स की जो है कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, लेकिन इस बार CUET को लेकर बहुत अच्छे से जो है फाइट होने वाली है। एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी भी एक अच्छा कोर्स माना जाता है अगर आप इसी में अपना करियर बनाते हैं तो। ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस है, देन उसके बाद में केमिस्ट्री तो डेफिनेटली से है ही। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री कोर्स है ये वो PCM वाले बच्चे भी कर सकते हैं, PCB वाले भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी जो है उसकी भी बहुत डिमांड अभी अर्थ साइंसेज की, अर्थ की स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये सब जो साइंसेज हैं इसकी स्टडी के बारे में भी बहुत अभी चीज़ें होने लगी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसमें जियोलॉजी के बच्चे जो हैं एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा बच्चों होम साइंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। हम कई बार साइंस के बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता उनका, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोर्स ऑफर करता है। इसके अलावा बच्चों मैथमेटिक्स भी है, यस मैथमेटिक्स, सबको पता है कि मैथमेटिक्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि DU जो है वो गिने चुने यूनिवर्सिटीज में से है जो ऑनर्स कोर्सेज कराता है, यानी कि सिर्फ आपको मेजर में डिग्री देता है। तो अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री का ही जो है बैचलर आपको माना जा रहा है, तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा रहता है। कई बार कई बच्चे चाहते हैं कि हम सिर्फ लेक्चरर बनना चाहते हैं केमिस्ट्री का, तो अगर बड़े क्लियर हैं, अगर आपका शुरू से अगर आपका विजन बिल्कुल क्लियर है तो आप ऐसे कोर्सेज में, कोर साइंसेज के कोर्सेज में जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों माइक्रोबायोलॉजी, जहां तक मुझे याद आ रहा है बच्चों, हो सकता है गलत हो तो करेक्शन कर देना, माइक्रोबायोलॉजी मेरे ख्याल से ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज में कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कराया जाता है शायद से, और ये कहीं और नहीं कराया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से हो सकता है कि शायद अपडेट नहीं हुआ हो। फिजिक्स कर सकते हैं, ठीक है, पॉलीमर साइंस कर सकते हैं, पॉलीमर साइंस भी जो है एक अप्लाइड कोर्स है, आप इसमें भी जा सकते हैं। जूलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जूलॉजी के अलावा मैंने एक कोर्स यहाँ नहीं लिखा है तो एक नंबर और ऐड होगा, प्लस बॉटनी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉटनी भी आप जो है वो कर सकते हैं, मतलब जूलॉजी एक फील्ड हो गया, बॉटनी एक हो गया, तो बेसिकली ये 18 नंबर हो गया, तो नंबर बढ़ जाएगा। इसके अलावा बच्चों अप्लाइड लाइफ साइंस में आप जा सकते हैं, अप्लाइड फिजिकल साइंस में आप जा सकते हैं,
लाइफ साइंस में जा सकते हैं। बीच में वीडियो में रोक के बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा, किसी को भी लगता है कि सर इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, तो इन सबके ऊपर वीडियोज आने वाले हैं। सो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, और कॉमर्स वाले बच्चों और आर्ट्स वाले बच्चे भी निराश ना हो, उनके लिए भी जो है पूरी की पूरी वीडियो सीक्वेंस है। फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस में आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हो, ऐसे फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री आ जाता है, उसमें कंप्यूटर की जगह केमिस्ट्री आ जाता है, ऐसे फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड हो जाता है, तो कंप्यूटर साइंस की जगह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जगह फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे। देन नेक्स्ट इज कॉल्ड मैथमेटिकल साइंस, और एक आता है लास्ट में एनवायरमेंटल साइंस। तो ये बच्चों 25+1 26 कोर्सेज जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साइंसेज के लिए हैं, कुछ अगर मिस हो गया हो तो बता देना, हालांकि मैंने सारे के सारा पूरा रिसर्च कर लिया था और उसके बाद ही जो है वो बताया। कुछ कोर्सेज हमारे कॉलेजेस में भी होते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे जो मेरे कॉलेजेस में नहीं होते हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में एडिशनली होते हैं, तो मैंने सभी को कंसिडर करते हुए जो है ये वीडियो को पोस्ट किया है, बना रहा हूं, और आपको इन सब वीडियोस के बारे में अपडेट्स डेफिनेटली से आगे चल के मिलते रहेंगे। अगर आप पर्टिकुलर कोई कोर्स जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके मन में आ रहा है कि इसका टॉप कॉलेज कौन सा है, तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को आने वाले टाइम में वीडियोस मिलती रहेंगी। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं जो कि बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ही फाइनल वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करके वीडियो पर डाल रहा हूं। तो आप अपने जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को तक ये पहुंचाओ, और अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स तक पहुंचाओ, फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, सो दैट ये राइट इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके लिए है, मतलब ये सबके पास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन की ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि एडमिशन से पहले पैनिक क्रिएट हो जाता है और उस टाइम पर आपको नहीं पता चलता है, तो आपको समय लगेगा इस सारी नॉलेज को गेन करने में। तो धीरे धीरे वीडियोस आपके पास रोज रोज एक एक आते रहेंगे, जिससे आपको काफी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी। बने रहिएगा मेरे साथ में, मेरा नाम है अंकुर आनंद, थैंक यू वेरी मच, बाय।